और मोहब्बत का पैगाम दिया और जिनके दरबार कौमी एकता की मिसाल आज भी बने हुए हैं। इसी कड़ी में नाम आता है महान सूफी मौलाना हबीब अहमद अबुल उलाई का, जिनका उर्स पाक सारे देश में उनके चाहने मानने वाले बड़ी शिद्दत से मना रहे हैं। दमों में भी जश्न अबुल उलाई मनाया गया, जिसकी शुरुआत महान सूफी संत हजरत बशीर मियाँ साहब ने दमों में गढ़ी मोहल्ला में खान काहे बशीरी में सन 1962 में की थी। तब से आज तक उनके मुरीद जश्न अबुल उलाई मनाते आ रहे हैं। उस दौरान हजरत सूफी बशीरुल औलिया ने सिलसिला अबुल उलाई को आगे बढ़ाया, जिनका मंजार शरीफ ग्वालियर में है। उसके बाद हजरत सूफी सिराजुल हक साहब ने बागडोर संभाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों का वो आस्ताना है कि अल्लाह वालों के आस्ताने पर जो भी आप दिली मुराद लेकर आएंगे और आपकी पूरी दिली मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ मजहब व मिल्लत का कोई मामला नहीं है, यहाँ जात पात का कोई मामला नहीं है, यहाँ धर्म का कोई मामला नहीं है। ये मामला यहाँ दिल का है, जो दिल से मांगता है अल्लाह के वलियों के दर से उसे मिलता है। गौर समाज का समय